कोरोना वायरस महामारी दौरान दवाइयां ते भोजन की कमी वर्गे मुद्दों नूं लैके क्यूबा के लोगों वालों किए जा रहे प्रदर्शनों बारे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि क्यूबन लोग तानाशाही तो निजात पाना चाहते हैं। बाइडन ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुल डियास कैनल की हुकूमत नूं कहा है कि वह लोगों की गल सुने ते उन्हां दीआं लोड़ां पूरियां करे। इस दे नाल ही बाइडन ने प्रदर्शन कर रहे क्यूबन लोगों का समर्थन किया। राष्ट्रपति ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि लोग तानाशाही तो तंग आ चुके ने। असीं क्यूबन सरकार नूं कहना चाहते हाँ कि लोगों की आवाज़ दबाउण की कोशिश में हिंसा करन तो परहेज़ करे। उन्होंने कहा कि क्यूबा में दहाकों तो लोग जबर सह रहे हैं, गरीबी की मार चल रहे हैं। ये सब कुछ तानाशाही हुकूमत की देन है। इस समय लोग कोरोना महामारी के पंजे में फंसे हुए हैं, जिन्हों राहत की लोड़ है। उन्होंने कहा असी क्यूबन लोगों के आज़ादी के सदे की हमायत करते हाँ। इतने जिक्र योग है कि लंघे दिन समुचे क्यूबा विचकार सरकार विरुद्ध वड्डी पद्धर से प्रदर्शन हुए हैं, जिन्हों में हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। समझा जाता है कि पिछले 30 सालों दौरान पहली बार सरकार विरुद्ध एड्डी वड्डी पद्धर उपर लोग सड़कों पर उतरे। एक रिपोर्ट अनुसार इस समय क्यूबा बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट विचों गुजर रहा। कोरोना तो बचाव लई टीकाकरण बहुत घट होने कारण कोरोना पीड़ित लोगों की गिणती बढ़ रही है।